What's going on, guys? My name is Ayush and you're watching Ayush Technical. Let's get we start. So guys, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैमटेशिया में 1080p या फिर 720p में 60fps में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, या आप यहाँ पे ऊपर देखते हो जो 3 डॉट्स होते हैं, या फिर पीसी में देख रहे हो तो नीचे 3 डॉट्स है, उसमें आप क्वालिटी में जाएंगे तो यहाँ पर 1080p 60fps लिखा होगा, आप उसमें रेंडर कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको उसके ही बारे में बताने वाला हूँ। तो ये एकदम ईजी है। मैंने एक और वीडियो बनाया था हाउ टू रेंडर, उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा, तो आप 60fps में रेंडर ना करना चाहते और नॉर्मल रेंडर करना चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, ऊपर कार्ड में लिंक है। और हमने कैमटेशिया पे पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, वो उसके लिंक भी ऊपर कार्ड में है और एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और आपको इस वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी मुझे भी ज़रूर नीचे बताना। तो यहाँ पर हम कैमटेशिया को ओपन कर लेते हैं और मैंने यहाँ पर एक छोटी सी क्लिप पहले से ही बनाई हुई है, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ मैं यहाँ पे एडिट करने के लिए मैंने एक क्लिप बना दी थी, तो यहाँ पे मैं सिर्फ कुछ टाइम पास ही कर रहा हूँ इसमें, तो यहाँ पे कुछ है नहीं। तो ये और हाँ ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कैमटेशिया ओपन कर दिया मैंने। ओके, रिकॉर्डिंग चालू है। तो यहाँ पे मैं आपको इसे रेंडर करके दिखाऊंगा 60fps में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैं इसे पहले से ले लेते, फिर यहाँ पे हमको शेयर में जाना है। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं शेयर लिखा है, वहाँ पे जाना है। आप वहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे लोकल फाइल लिखा है, आप यहाँ पे लोकल फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जल्दी से एक मेन्यू खुल जाएगा, किस जो यहाँ पे होगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर यहाँ पे कस्टम प्रोडक्शन सेटिंग्स पे आपको एक्सपेंड करना है, उसे आप उसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन होगा एड एडिट प्रीसेंट, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट प्रीसेंट में आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं यहाँ पे ट्रेंड भी करो कोई भी करो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, प्रीसेंट का नेम दे देना है, जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं 60fps लिख देता हूँ मैं, हाई 60fps, और यहाँ पे MP4 में रहने देना है, HTML5 पता नहीं क्यों, तो वही रहने देना है। फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट में आएंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट में हमें यहाँ पे साइज़ में आना है। साइज़ में यहाँ पे जो टिक की हुए ऑटो कैलकुलेट है एम्बेड डायमेंशन उसको हटा देना है, फिर यहाँ पे 1920 लिख देना है और 1080 यहाँ पे, अगर आप 720 भी रेंडर करें यहाँ पे 1280 720 आएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे वीडियो साइज़ भी कर देता हूँ 1920 बाई 10, यहाँ पे जो कीप एक्सपेक्ट रेशो लिखा है उसे अनचेक कर देना है, फिर यहाँ पे 1080 लिख देना है, 1080 लिख देंगे, 720p में करना है 1280x1080 और 1080 में करना है 1920x1080 पे क्लिक करना है, इतना हो जाए। तो फिर आपको यहाँ पे वीडियो सेटिंग्स में जाना है, आप यहाँ पे वीडियो सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे फ्रेम रेट लिखी है, आपको यहाँ पे जल्दी 60 करके यहाँ पे क्वालिटी में क्लिक करना है, और यहाँ पे स्मॉल साइज और हाई क्वालिटी में लिखा है, आप यहाँ पे 60 रहने दीजिए क्योंकि ज़्यादा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर यहाँ पे ऑडियो सेटिंग्स में आप यहाँ पे 128kb लिखा है, आप चाहे तो उसे चेंज कर सकते हैं पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर यहाँ पे ऑप्शंस में आपको कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे इंक्लूडिंग वाटरमार्क लिखा है उसे अनचेक कर देना है, फिर यहाँ पे फिर से फिनिश कर देना है, और यहाँ पे हमारा काम हो गया, यहाँ पे क्लोज कर देना है। आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया, आपको फिर से एक्सपेंड करेंगे तो एक यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आ गया 60fps, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका फाइल का नाम देना है, जो आप वीडियो का नाम देना चाहिए, यहाँ पे मैं XYZ लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली फिनिश कर देना है। फिर यहाँ पे ये रेंडर हो रहा है, रेंडर जो अच्छे से हो गया। ओके, ये रेंडर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट हो गया, इसे बंद कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, और इसे भी मैं बंद कर देता हूँ, नहीं करना सेव। ओके, तो यही था आज के इस वीडियो में। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, आपको कुछ लाओ नहीं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसे ही कंटेंट हर सेकंड डे में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।